तो आज हम पढ़ते हैं डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब के बारे में, ठीक है। डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब, इसमें क्या होता है, इसमें हम न्यूमेरिकल एक लेंगे, और जो हमने कल डिजाइन कैसे स्टेप हमने बताया था डिजाइन स्टेप ऑफ वन वे स्लैब के लिए, उन सारे स्टेपों को इस न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में यूज करके हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं वन वे स्लैब के लिए, ठीक ना। तो आज हम करते हैं डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब। वन वे स्लैब हमको इसमें डिटेलिंग पढ़ना है, आई एस कोड 2000 आपके पास होना चाहिए। हमारा स्लैब है ये स्लैब, हम इसमें स्लैब हमारा तो बहुत बड़ा होता है, तो हम किसी भी एक सेक्शन पे एक मीटर के लिए जो उसमें हमारा रेनफोर्समेंट यूज हो रहा है तो उस बेस के आधार पर हम मतलब वन मीटर का डिजाइन करेंगे वन वे स्लैब के लिए, ठीक ना। तो इसमें क्या कि जैसे हमारे एक मीटर के लिए है तो हम मतलब स्केल हमारा एमएम में लेके चलेंगे। तो इसमें हमारा एक हाल है, हाल टाइप का है, ठीक ना। उसमें एक क्वेश्चन दिया है कि ये हाल है उसका डायमेंशन 3 बाई 9 मीटर का है, उसका जो थिकनेस दिया गया है वो तो 230 mm दिया है, ठीक ना। उसमें लाइव लोड दिया है हमारा 3 kN/m² और फिनिश लोड दिया है 1 kN। तो इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं, मतलब अपनी तरह से मान लेते हैं कि हमको कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करना है और कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील यूज़ करना है, ठीक। चलिए हम डिजाइन करते हैं, देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि हमारा स्लैब कैसा है, वन वे है या टू वे है कि कैसा है, ठीक ना। वन वे है, हम वन वे के लिए डिजाइन कर रहे हैं, वैसे चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसमें हमारा जो स्केल दिया है मतलब हमारा शॉर्ट ऑफ स्पेन 3 मीटर, जिसको एमएम में कर लेते हैं तो 3000 mm, लॉन्गर स्पैन हमारा 9 मीटर तो 9000 mm कर लेते हैं, 9000 mm। तो इसमें हमारा एक हाल है, ठीक। इसमें हमारा क्या है कि जो हमारा शॉर्ट स्पैन है 3 मीटर है, लॉन्गर स्पैन हमारा 9 मीटर है, हाल में हमने डिजाइन करके बताया है। इसमें हम चेक कर लेते हैं पहले LY, मतलब ये LY है और ये LX है। तो हम डिजाइन कर लेते हैं, तो यहाँ हमने जो रेशियो निकाला है वो हमारा 2 से ज़्यादा आ रहा है, 3 मीटर आ रहा है, ठीक ना। तो हमने बताया था कि वन वे स्लैब में जो भी 2 से या इक्वल जब भी हमारा रेशियो आए, लॉन्गर और शॉर्ट स्पैन का जो रेशियो आए उसमें जो हमारा 2 से वैल्यू बड़ा आए या इक्वल टू आए, ठीक, तो वो हमारा वन वे स्लैब के लिए डिजाइन होगा, ठीक ना। तो इसमें हमारा वन वे स्लैब आ रहा है, ठीक, जो मतलब उसका रेशियो आ रहा है वन वे स्लैब के लिए। इसमें हमारा इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव स्पैन निकालेंगे, तो इफेक्ट ऑफ डेप्थ मतलब इफेक्टिव डेप्थ, हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमें इफेक्टिव डेप्थ निकालना है या इफेक्टिव स्पैन निकालना है। जब भी हमारा इफेक्टिव डेप्थ निकालना हो तो स्पैन मतलब पूरा लेंथ अपान बेसिक वैल्यू मॉडिफिकेशन फैक्टर, इसमें हमने अज्यूम किया था कि मॉडिफिकेशन फैक्टर हमारा 1.22 से 1.5 के बीच में लेंगे, ठीक ना। तो इसमें हमने अज्यूम किया था जब भी हम डिजाइन करेंगे वो तो हमेशा हम वन वे स्लैब में शॉर्ट और स्पैन के लिए डिजाइन करेंगे, ठीक ना। इसमें हमने बेसिक वैल्यू बताया था, मतलब हमारा जो कोड है आईएस कोड लेके साथ में बैठिएगा, ठीक ना। तो उसमें क्या है कि हमारा जो क्लॉज है मतलब 23 मतलब 23.2.1 जो हमारा कोड नंबर है उसको देखिएगा, उसमें हमारा सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर कंटीन्यूअस बीम के लिए उसका बेसिक वैल्यू दिया रहेगा, पेज नंबर 37 मतलब 37 पे, ठीक ना। तो हमारा इफेक्टिव डेप्थ यहाँ निकालेंगे, इफेक्टिव डेप्थ हमारा मतलब मतलब रिक्वायर्ड है, फिर हम यहाँ ओवरऑल डेप्थ निकालेंगे। तो ओवरऑल डेप्थ जब हम स्लैब का निकालें तो इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर
जितने हम सरिया जो यूज़ कर ले हैं, जैसे हम 10 mm, जैसे हमारा ये फाई, हमारा जैसे स्टील ऑफ डायमीटर है, मतलब जो हमारा स्टील ऑफ डायमीटर है 10 mm का हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो हम डायमीटर यूज़ करें उसका हाफ यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर ओवरऑल डेप्थ निकाला है तो 150 mm, मतलब हमारा इफेक्टिव डेप्थ से ज़्यादा ओवरऑल डेप्थ है, ठीक। अब हम इफेक्टिव स्पेन निकाल लेते हैं, तो इसमें भी IS कोड के अनुसार 22.2 पे देखिएगा, उसमें दिया है इफेक्टिव, मतलब जो हमारा इफेक्टिव लेंथ होता है स्पेन, मतलब लेंथ क्लियर स्पेन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, ठीक ना। इसमें हमारा 3 मीटर दिया था, ठीक, हमने जो हमारा LX है 3 मीटर दिया था, और मतलब हमारा जो शॉर्टर स्पेन है उसको हम इफेक्टिव स्पेन में कंसीडर करेंगे। जैसे हम इफेक्टिव स्पेन निकालेंगे तो उसमें हमेशा शॉर्टर स्पेन लेके चलेंगे, ठीक ना। प्लस जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ आया था, इफेक्टिव डेप्थ हमारा 125 आया था, तो ये मीटर में, ये mm में है, तो इसको हमने 3000 mm कर दिया है। फिर यहाँ पर 3000 ये हमारा mm में है, मतलब ये mm में है, फिर हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो 3.125 आया, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा तो ये अभी एक वैल्यू है, फिर हमने बताया था कि हमारा जो दो वैल्यू निकालने पड़ते हैं इफेक्टिव लेंथ के, तो एक एक ये पॉइंट होता है, जैसे हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, मतलब हमने हमारा तो हाल है, हाल के बीच में हमारा एक डिस्टेंस होगा, एक कवर होगा ना, मतलब वाल बनेगा ना, तो उसका थिकनेस और प्लस जो हमारा शॉर्टर स्पेन, मतलब जो हमारा शॉर्टर स्पेन मतलब मिनिमम जो लेंथ लेके चल रहे हैं उसको हम कंसीडर करेंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों को ऐड किया है, जो थिकनेस है और जो हमारा शॉर्टर स्पेन, ठीक ना। तो यहाँ पर 3.223 mm आ गया, ठीक। तो फिर यहाँ से हम इन दोनों में से देखेंगे हमारी शॉर्टर स्पेन जो हमारा निकाला गया है, इस पे इफेक्टिव स्पेन निकाला है, इनमें से कौन सा मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू होगा उसी को हम कंसिडर करेंगे। तो हमारा मिनिमम वैल्यू जो इफेक्टिव लेंथ है हमारा 3.215 है, ठीक ना। इसके बाद हम डिजाइन